नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लब में। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? वो चली थी 22 दिसंबर 1851 में। ये वो तारीख है जिस दिन भारत में रेल युग की शुरुआत हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि देश की पहली ट्रेन तो मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 में चली थी। लेकिन ये दोनों ही बात सही हैं। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो चलिए आपको मैं आज विस्तार में बताता हूँ भारतीय रेल की कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दरअसल में 1853 में जिस रेल की शुरुआत हुई थी वो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन उसके 2 साल पहले ही देश में भाप इंजन से चलने वाली रेलगाड़ी की शुरुआत हो चुकी थी। ये हम नहीं कह रहे, साल 2002 में छपी द हिंदू की एक रिपोर्ट में एक किताब के हवाले से बताया गया है, जो कि रुड़की से पिराने क्लियर के बीच में चली थी और ये एक मालगाड़ी थी। इसलिए टेक्निकली कह सकते हैं कि भारत की पहली ट्रेन 22 दिसंबर 1851 में चली थी। वैसे ब्रिटिश काल में रेल पटरियां बिछाने का काम और ट्रेन के सर्वे का काम 1837 से ही चल रहा था, लेकिन 1851 से पहले कोई भाप इंजन सफलतापूर्वक काम में नहीं लाया गया था। एक अंग्रेज लेखक पीटी कॉटली की एक किताब रिपोर्ट ऑन गंगा कैनाल में इसका जिक्र है, जो 1860 में छपी थी। इसके लिए जानते हैं पहले इस ट्रेन के इतिहास के बारे में। सन 1837 से 1838 के दौरान उत्तरी पश्चिमी प्रांत में, यानी जो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर सूखा पड़ गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इस समस्या से राहत पाने के लिए गंगा से नहर बनाने की तैयारी शुरू की, लेकिन बीच में पड़ने वाले सोनाली नदी के ऊपर से नहर निकालना एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए ब्रिटिश इंजीनियरों ने नहर को नदी के ऊपर से गुजारने की योजना बनाई। पुल निर्माण के लिए खुदाई करनी थी और इसमें काफी ज्यादा मात्रा में मलबा निकाला जाना था, जिसे क्लियर में डालने की योजना बनाई गई। इस मलबे को लाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके लिए थॉमसन ने इंग्लैंड से इंजन मंगवाया। इस इंजन के साथ 2 बोगियां जोड़ी गई और इस मलबे को ले जाने का काम इसी ट्रेन से किया गया। किताब के अनुसार तब ये ट्रेन 10 किलोमीटर की इस दूरी को 38 मिनट में तय करती थी। ये ट्रेन तकरीबन 9 महीने तक काम करती रही। इस तरह रुड़की और पिरानी कलियर के बीच भारत की पहली ट्रेन चली। वैसे इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग न होने के कारण देश की पहली रेलवे बंबई से ठाणे को ही माना जाता है, क्योंकि इस ट्रेन का उपयोग केवल गंग नहर के निजी कार्य के लिए हुआ था, इसलिए ज़्यादातर बंबई से ठाणे की ट्रेन को ही भारत की पहली ट्रेन मानते हैं। गंग नहर के निर्माण के तत्कालीन इंजीनियर कर्नल पीटी कॉटले ने गंग नहर पर लिखी अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट ऑन द गंग नहर कैनाल वर्क्स में इसका वर्णन किया है, और ये रिपोर्ट आज भी आईआईटी रुड़की की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद है। और जो इंजन लंदन से मंगवाया गया था, जो इंजन यहाँ पे पिराने कलियर से रुड़की के बीच में चला था, इस इंजन का नाम उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन के नाम पर ही रखा गया था। इस तरह से कह सकते हैं कि भारत की पहली ट्रेन मालगाड़ी के रूप में 22 दिसंबर 1851 में चली थी। ये सभी जानकारियाँ आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने इससे पहले इस ट्रेन के बारे में अगर सुना था तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।